सह वी कर्वा वह तेजस्वीनावधतमस्त मिषा वह ओ शांति शांति शाति वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है वेदों अखिलो धर्म मूलम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना अपने निज कर्तव्य में लाना यह हम सबका परम धर्म है श्रेष्ठ स्वकर्म है हम निरंतरता के साथ ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय से हमारे मन में हमारे वाणी में हमारे व्यवहार में परिष्कार होता है दिव्यता आती है और हम जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं जब तक हमारे जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं होगा जब तक हम अपने जीवन में दिव्यता का आधार नहीं करेंगे जब तक हमारे जीवन में क्रियाशीलता नहीं होगी तब तक यह जीवन हमारा निरर्थक है इस जीवन को हम सार्थक बनाएं इसके लिए कल्याणी वेदवाणी जो हमको अहर्निश उत्साह में उमंग में ज्ञान से युक्त पराक्रम से युक्त और हृदय में लोकहित की भावना से परिपूर्ण बनाने का यह पावन उपदेश परमात्मा के द्वारा हमको मिलता है आज हम चर्चा करेंगे तीन अग्नियाँ ऐसे तो अग्नि की बात करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में तेरह अग्नियाँ काम करती हैं परंतु जो जान की अग्नि है मस्तिष्क हमारी जान अग्नि से युक्त हो और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए जठराग्नि की परम आवश्यकता है इसी प्रकार से लोक हित की भावना से हमारे अंदर एक संकल्प हो तो वह संकल्प की अग्नि लोक हित की भावना की अग्नि सदा प्रज्वलित रहनी चाहिए तीन अग्नियों के विषय में बहुत सुंदर उपदेश दिया है ऋग्वेद के इस दसवें मंडल के 45वें सूक्त का प्रथम मंत्र बहुत सुंदर चर्चा है प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ फिर चर्चा इसकी करेंगे ओम दिवस দিবস প্রথম দিবস প্রথমে जजें अग्निस्मत द्वितीयं अग्निरस्मत् द्वितीयं परिजातवेदाः पारिजातवेदाः तृतीयम् अप्सु निम्रणा, टीएमसु नृम अजस्रम इंधान अजस्रिंधा एनम जरते स्वाधी ही। ऋग्वेद के दसवें मंडल के 45वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ॐ दिवस्परि प्रथमं यज्ञे अग्निरश्मद्वितीयं परिजातवेदाः तृतीयमप्सु नृम्णा अजस्रमिन्धान एनं जरते स्वाधीः ॐ दिवस्परे प्रथमं यज्ञे अग्निरश्मद्वितीयं परिजातवेदाः तृतीयमप्सु नृम्णा अजस्रमिन्धान एनं जरते स्वाधीः बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है प्रथमम सबसे पहले दिवा मस्तिष्क रूप द्युलोक से अग्नि ही जो जान अग्नि है अग्नि एक लौकिक अग्नि जो भौतिक अग्नि है जो जलती है जिसमें यज्ञ करते हैं भोजन पकाते हैं उस अग्नि को यहां पर प्रेरित करने वाला बनाया है और एक नाम अग्नि उस परम पिता परमेश्वर का भी है क्योंकि तो वो अग्नि स्वरूप है वो प्रकाश देने वाला है सबके अंदर प्रकाश करने वाला है बिना ज्ञानग्नि के मनुष्य का जीवन पशु के समान है जब ज्ञानग्नि से हम युक्त तो होंगे हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हमारा जीवन महान होगा नहीं तो पशु के समान है जान विहीन सर्वमते न भजति न मुक्ति जन्मशतना विद्या विहीन पशु भी समान विद्या से जो विहीन है वो पशु के समान कहलाता है इसलिए विद्या से युक्त हमारा जीवन हो तो यहां सबसे पहले जो अग्नि है उस अग्नि को मस्तिष्क रूप की अग्नि जिसको अग्नि कहते हैं मस्तिष्क हमारा ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए ज्ञान जितना उच्च होगा जितनी परिपक्वता होगी हमारे ज्ञान में उतना उतना हम विवेक वैराग्य के साथ अपने जीवन को जी पाएंगे अपने जीवन को सदगति की ओर सन्मति की ओर आगे बढ़ा पाएंगे दुर्गति से हम बच पाएंगे इसलिए कहा कि यह प्रथमम जो प्रथम है सबसे पहले मस्तिष्क रूप देवलोक में जो जान अग्नि है परी जज्जें प्रादुर्भूत होती है यह जान अग्नि मस्तिष्क को, को उसी प्रकार से प्रज्वलित करती है जैसे कि दिवलोक जो है सूर्य दिवलोक को प्रकाशित करता है सूर्य जो सबका प्रकाशक है और सूर्य ऊर्जा का अक्षय भंडार है सूर्य से बढ़कर के और यहाँ ऊर्जा का कोई संचार नहीं है लेकिन वह सूर्य भी भौतिक जो सूर्य है वह भी किससे प्रकाशित होता है परमपिता परमेश्वर के ही शक्ति से वो प्रकाश देता है सूर्य चंद्र पृथ्वी जितने भी गृह नक्षत्र हैं सब उस परमात्मा के ही शक्ति से उसके ही सामर्थ्य से उसकी ही सत्ता से ये संपूर्ण व्यवस्था चलती है इसलिए ये कहा कि वह तो प्रकाश देता है सूर्य दुलोक को इस अग्नि से हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है वहाँ अंधकार का विनाश होकर के जीवन का मार्ग अत्यंत स्पष्टतया दिखने लगता है परिणामतः हम मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते और हमारे कर्म बड़े पवित्र होते हैं जानाग्नि कर्मों के मल को उसी प्रकार से दग्ध कर देती है जैसे कि स्वर्ण के मल को भौतिक अग्नि नष्ट कर देती है हमारे जो दुर्गुण हैं जो दुर्व्यसन है जो दुर्व्यवहार हैं जो, है, जो कुसंस्कार हैं वो कैसे जाएंगे जैसे अग्नि जो भौतिक अग्नि है उसमें हम लोहा तांबा सोना चांदी डालते हैं और वो पिघल जाता है और उसके सारे मल उसके सारी गंदगी साफ़ हो जाती है वो बिल्कुल नया हो जाता है निर्मल हो जाता है इसे अग्नि से अग्नि से धातु भी बिल्कुल नई हो जाती है सुधौत हो जाती वह बिल्कुल निर्मलता को प्राप्त हो जाती चमक उसमें आ जाती जब उसको हम कहते हैं जितना अग्नि में सोना तपाते हैं उतना वो कुंदन बनता चला जाता है उतना उसमें चमक आती चली जाती है ऐसे ही हमारे जो कुसंस्कार हैं हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा प्रमाद है जो आलस्य है जो अज्ञानता है जो मुड़ता है जो जो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं उसको दूर करने का कौन सा उपाय है तो उसका उपाय है जान अग्नि जान अग्नि जब हमारे अंदर प्रज्वलित तो हो जाती है तो हमारे सारे दुर दुल है ये सारे दुर्गुण दुर्व्यसन धुल जाते हैं ये नष्ट हो जाते हैं दग्ध बीज हो जाते हैं जन्म जन्मांतरों के जो कुसंस्कार है वो भी क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं वो दग्ध बीज हो जाते हैं इसलिए जान अग्नि बहुत आवश्यक है हम जान से परिपूर्ण हो इसलिए प्रार्थना कहते हैं कि प्रभु हमको जान से युक्त करे हे प्रभो आनंद सिंधो ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने वीर व्रत धारी बने गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में हाथ डालें ना कभी हम भूल कर अपकार में भूल कर अपकार में, कर अपकार में। हे प्रभो आनंद दाता जान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए तो हमारे अंदर का जो जो अज्ञान है जो अविवेक है जो अविद्या है जो अधर्म है जो अन्याय है जो हमारे अंदर का अविवेक है उसको दूर करने का एक ही उपाय है कि प्रभु के द्वारा दी हुई हम ज्ञान अग्नि को अपने मस्तिष्क में धारण करें और वह जान अग्नि हमारे संपूर्ण कुसंस्कारों को दग्ध कर देगी नष्ट कर देगी ये पहली अग्नि हुई यह और इसी प्रकार से जान अग्नि कर्मों को पवित्र करती है अब द्वितीय अग्नि द्वितीय परिजात वेदा दूसरे जो अस्मत जात वेदा है। दूसरी अग्नि जो दूसरे स्थान में अस्मत हमारे हेतु से जात जातवेदाह जाते जाते विद्यते इति जात जा अर्थात जो प्रत्येक उत्पन्न प्राणी में होने वाली जाठराग्नि जठराग्नि के जीवन चल नहीं सकता है किसी का बीपी लो होता चला जाए चला जाए शरीर ठंडा पड़ जाता है हा? जो अग्नि है जब अग्नि बिल्कुल ठंडी पड़ गई तो व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है वो थोड़ी देर बाद सारी धड़कने बंद हो जाती हैं और व्यक्ति बिल्कुल चिरस्थाई जो चिर निद्रा में चला जाता है मतलब उसका राम नाम सत्य हो जाता है ऐसा लोग बोलते हैं तो इस अग्नि को हम प्रज्वलित रखें हमारी जो अग्नि है क्योंकि बिना जठराग्नि के हमारा भोजन भी पचेगा नहीं और भोजन नहीं पचेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा क्या जठराग्नि यदि ठीक नहीं है जठराग्नि यदि प्रदीप्त नहीं है तो भोजन हजम नहीं होगा भोजन हजम नहीं होगा तो जितना खाया उससे ज़्यादा निकल गया और शरीर का सार भी लेकर चला गया एक बार खाए दस बार गए तो शरीर में ताकत आएगी क्या नहीं आएगी खाया हुआ अपना नहीं होता पचाया हुआ अपना होता है और पाचन तंत्र कब अच्छा होगा जब हमारी जठराग्नि अच्छी होगी हर प्राणी में जठराग्नि का आधान होता है जाते जाते जो सब में विद्यमान है जाते जाते विद्यते प्रत्येक प्राणी में जो जठराग्नि है उस पर जज्जे उत्पन्न होती है ये जो है शरीर स्वस्थ रहे शरीर बलशाली हो हम जो खाएं वो हजम हो जाए रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र वीर ये सब हमारी सप्त धातुएं पुष्ट होनी चाहिए और वो कब पुष्ट होंगी जब हमारा भोजन पचेगा भोजन पचेगा शरीर अच्छा होगा ये बात कही है अर्ध रोग हरी निद्रा सर्व रोग हरि क्षुधा ये बात कहते हैं कि अगर नींद अच्छी आती है तो आधे से ज़्यादा रोग तो ऐसे नष्ट हो जाते हैं और भूख अच्छी लगती हो भोजन पच जाता हो अच्छी प्रकार से तो कभी किसी को कोई बीमारी नहीं होगी इसका मतलब वो भोजन हजम करता है तो पूर्ण रूप से वह स्वस्थ है इसलिए जठाग्नि को प्रदीप्त करना ये दूसरी अग्नि है और इसी प्रकार से तीसरे स्थान में निमणाहा निशु मनो यस्य मनुष्यों में सत्य चित्त वाली लोकानुग्रह तत्पर निमणा नाम वाली अग्नि है जो अपसु हृदय अंतरिक्ष में निवास करती है स्वाधी ही उत्तम बुद्धि ध्यान वाला ज्ञानी पुरुष एनम इस तृतीय जो तृतीय अग्नि है निम्रणा तो इस तृतीय अग्नि से युक्त करें प्रभु और यह अग्नि को अजस्रम सतत लगातार इंधाना दीप्त करता हुआ लोक अनुग्रह में तत्पर हुआ हुआ जरते प्रभु का स्तवन करने वाला होता है प्रभु का सच्चा स्तवन सर्वभूत हिते रता तो वह सर्वभूत हित रथ में जो है अपना लगा रहता है और वह इस तृतीय अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए पहली दो अग्नियां प्रज्वलन आवश्यक है बिना जान के बिना स्वास्थ्य के लोक हित करना संभव नहीं है अगर हम संसार का राष्ट्र का समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो तीसरी जो अग्नि है लोक कल्याण की अग्नि प्रज्वलित रहे लोक कल्याण के लिए देश समाज और राष्ट्र विश्व के कल्याण के लिए हम अग्रसर हों उसके पहले दो अग्नि अवश्य हमारे जीवन में प्रतिष्ठित होनी चाहिए सबसे पहले अग्नि जान की अग्नि जान नहीं है तो आप संसार का कल्याण नहीं कर सकते अपना कल्याण भी नहीं कर सकते हैं पशु के समान जीवन है तो ज्ञान सबसे पहला वो ज्ञान कैसे मिलेगा गुरुजनों के सानिध्य में मिलेगा वो ज्ञान कैसे मिलेगा सज्जनों की संगति में महापुरुषों की संगति में मिलेगा ज्ञान कहाँ मिलेगा वेद उपनिषद दर्शन के स्वाध्याय में मिलेगा ज्ञान कहाँ मिलेगा जहां पर सज्जनों की संगति है सज्जना नाम संगति ही सत्संगति कथ्यते सज्जनों की संगति से ज्ञान से युक्त होते हैं और जान से ही व्यक्ति महान बनता है जान का आधान जिसके जीवन में है उस व्यक्ति का जीवन महान बन जाता है और जिसका जीवन महान है उसने जहान को भी महान बनाने का पावन संकल्प ले लिया होता है इसलिए हम सदा सर्वदा इस बात का सदा ध्यान रखें कि हमारा ज्ञान सदा बढ़ता रहे और ज्ञान जब बढ़ेगा तो हम निसंदेह इस संसार के लिए भी कल्याणकारी होंगे और प्रभु के लिए तो एक सच्चे सुपुत्र का क्योंकि परम पिता परमेश्वर हैं तो जान अग्नि हमारी प्रदीप्त हो और दूसरी जान तो बहुत है लेकिन शरीर में दम नहीं हम किसी से कम नहीं तो भी काम नहीं बनेगा शरीर में भी तो बल होना चाहिए हमारे सभी महापुरुष बलशाली थे कि नहीं कोई भी महापुरुष जो है दीनहीन अवस्था में नहीं था क्षीण वीरहीन नहीं था तेजस्वी थे सभी और सभी बिल्कुल जो है दे दीप्यमान जीवन वाले थे तो इसलिए शरीर का बल वेद कहता अस्मा भवनस्तनु हमारा शरीर वज्र की भांति फौलादी होना चाहिए हम शरीर से भी और मन से भी बहुत ज्यादा बलशाली हों और जो है जो बलशाली होगा जो जिसके अंदर जितना बल होगा उतना वह व्यक्ति ज्ञान से भी परिपूर्ण होगा भगवान आ, श्री रामचंद्र जी के जो सबसे अच्छे सेवक कौन थे हनुमान जी और हनुमान जी क्या है बलशाली थे वो बल के देवता हैं बल के देवता है लेकिन वो पांडित्य में ही सबसे आगे थे चारों वेदों का ज्ञान उनको था वो बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाले थे बल की उपासना और वो जो है चारों वेदों के जाता थे इसलिए बल की उपासना जो करता है उसका मन स्थिर रहता है जो बल की उपासना नहीं करता जो हीनवीर हो जाता है क्षीण शक्ति वाला हो जाता है वो कभी बलशाली बनी नहीं सकता और जो जान से भी हीन हीन हो हो गया गया बल से भी हो गया, वो संसार का क्या कल्याण करेगा वो कल्याण कभी करने वाला नहीं होगा इसलिए जान अग्नि से जस्टाग्नि तक और जष्ठाग्नि से संकल्प अग्नि तक हम सदा उत्साहित रहें आनंद में रहें और इसलिए कहा है कि सिर पर बर्फ मुंह में शक्कर दिल में आग पैर में चक्कर सिर पे बर्फ मतलब जिसका जान परिपक्व है मस्तिष्क जिसका ठीक है वो ठंडा ठंडा कूल कूल रहता है अनुकूल रहता है गर्म नहीं होता जल्दी से क्रोध नहीं ये करता वो जान पूर्वक निर्णय लेता है और मधुरता से युक्त तो होता है उसका जीवन हृदय में अग्नि कैसी अग्नि संकल्प की अग्नि संकल्प से युक्त उसकी अग्नि कभी बुझती नहीं कि मुझको इस जीवन को सार्थक बनाना है ब्रह्मचर्य से युक्त से युक्त और अपने, अपने माता पिता गुरुजनों और कुलवंश परंपरा को उन्नत बनाने के लिए जीवन जीना है इसलिए वो कभी विचलित नहीं होता एक बार संकल्प ले लिया तो जीवन भर उसको वह सदैव पूरा करने के लिए प्राण अर्पण से लगा रहता है और इसी प्रकार से पैर में चक्कर खूब पुरुषार्थी बन जाता है ऐसा हम सबका जीवन हो और जीवन जीने के लिए सदा अपने संकल्पों से युक्त जानाग्नि से युक्त विद्या से युक्त बल से युक्त हमारा जीवन हो और सत्संग से युक्त हमारा जीवन हो सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई संगत से जीवन है ये बात है समझाई यह वेद बताते हैं यह शास्त्र बताते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं वचनों के मोती हैं संगत के सागर में फल ही फल मिलते हैं सुख के इस तरवर में जो जान सरोवर में डुबकियां लगाते हैं जो जान सरोवर में डुबकियां लगाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं तो अभी यहीं पर विराम लेते हैं शेष चर्चा अगले मंत्र में अगली कक्षा में करेंगे ओम शांति शांत शांति